तो आज जो हम देखेंगे वो है फैराडिक करंट। तो फैराडिक करंट के लिए हमेशा कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखना, कि जो फैराडिक करंट होता है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है। अभी हमने इससे पहले अल्ट्रासाउंड के बारे में बात किया था, तो उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 1 मेगाहर्ट्ज़ मेगा के अंदर थी, मतलब वो कितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट्स थे। बट इसके अंदर क्या होता है, ये लो फ्रीक्वेंसी का करंट होता है, इसके अंदर 30 या फिर 100 मेगाहर्ट्ज़ के बीच के अंदर ही इसकी रेंज रहती है। और लो फ्रीक्वेंसी के अंदर और भी आता है, जैसे गैल्वेनिक करंट है और टेंस है, वो भी लो फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है। और उसके अलावा ये इंटरप्टेड डीसी होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, तो ये इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है। और एक कांस्टेंट डायरेक्ट करंट भी होता है। कांस्टेंट डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि पूरे ट्रीटमेंट पीरियड के टाइम वो कंटिन्यूसली करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, और वो नॉर्मली हम एंटोफोरोसिस के लिए यूज़ में लेते हैं। बट फैराडिक करंट के लिए हम इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट लेते हैं, मतलब ये पल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। कुछ टाइम के लिए वो प्रोड्यूस होगा, फिर कुछ टाइम के लिए वो ऑफ रहेगा, कुछ टाइम के लिए वो प्रोड्यूस होगा, फिर कुछ टाइम के लिए वो ऑफ रहेगा, मतलब पल्सेस के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। और इसके अंदर जो पल्स की ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.1 से लेके 1 ms, तो मतलब कितनी शॉर्ट टाइम के लिए इसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए ये पल्सेस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और पल्स ड्यूरेशन का मतलब है कि जैसे ये पल्स है, तो इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है ये बेसिकली 0.1 से लेके 1 ms के बीच में हो सकता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इसके बीच में लाए करता है। तो ये कितनी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, और क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इनर्वेटेड जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए। तो ये सिर्फ इनर्वेटेड मसल्स जो होती है उसको हेल्पफुल होती है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, और डीनर्वेटेड मसल्स के लिए इसको यूज़ में नहीं लिया जाता, उसके लिए गैल्वेनिक करंट को यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन होता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, गैल्वेनिक करंट जो होता है उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, इसलिए डीनर्वेटेड मसल्स के लिए सिर्फ वो प्रेफर करते हैं। अब जो सबसे पहले जो फैराडिक करंट है जो प्रोड्यूस हुआ था, ओरिजिनल फैराडिक करंट, वो हुआ था फैराडिक कॉइल के थ्रू। तो उसके थ्रू जो करंट प्रोड्यूस हुआ था वो कुछ इस टाइप का दिखता था। तो इसके अंदर क्या था कि दो वेव्स बाईफेजिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। तो इसके अंदर दो अनइवन वेव्स प्रोड्यूस हुई थी, तो फर्स्ट वाली तो है ये और सेकंड वाली है ये। तो इसके अंदर जैसे ये इंटेंसिटी है हमारी और ये टाइम ड्यूरेशन है, तो जो फर्स्ट वाली जो वेव थी उसका टाइम ड्यूरेशन तो बहुत लंबा था बट इंटेंसिटी बहुत कम थी, और जो सेकेंड वाली वेव थी उसका टाइम ड्यूरेशन कम था इंटेंसिटी ज़्यादा थी। तो ये दोनों अनइक्वल वेव्स थी। तो जो फर्स्ट हमारा जो ओरिजिनल फैराडिक करंट था वो एसिमेट्रिकल था, इसका जो फ्रीक्वेंसी थी इस करंट की वो अप्रॉक्सीमेटली 50 hertz थी। तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अभी बताया था कि जो फैराडिक करंट्स होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के करंट्स होते हैं, तो इसके अंदर जो ये वाला जो था, ये वाली जो फेज थी, तो वो ज़्यादा उससे मैच करती है फैराडिक करंट से। तो इस वजह से ये वाला जो था वो ज़्यादा इफेक्टिव था एज़ कम्पेयर टू ये फर्स्ट वाली फेज से। और इसके बाद में और भी ज़्यादा और भी एडवांसमेंट हुए, तो उसके बाद जो आया वो आया स्मार्ट ब्रिस्टो कॉइल। तो स्मार्ट ब्रिस्टो कॉइल के अंदर क्या था कि डैम्प ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होता है, मतलब कि 1000 फ्रीक्वेंसी का करंट प्रोड्यूस होता है। 1000 फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1000 ऑसिलेशंस एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। और डैम्प्ड ऑसिलेशन इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि जैसा कि आप इसके अंदर भी देख सकते हो कि टाइम के साथ क्या हो रहा है कि जो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है। तो ये जो था ये भी बाईफेजिक करंट था और ये पल्स था, इंटरमिटेंट था। तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि टाइम के साथ जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो स्मार्ट ब्रिस्टो कॉइल से डैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होते थे, और इसके अंदर भी जो स्टार्टिंग वाले जो ऑसिलेशंस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव थे एज़ कम्पेयर टू पीछे वाले। बट आजकल जो फैराडिक करंट को प्रोड्यूस करने में जो लेते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर्स। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सर्किट होता है जिसको बोलते हैं मल्टी वाइब्रेटर सर्किट। तो यही सर्किट जो है फैराडिक करंट को प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर जो फैराडिक करंट प्रोड्यूस होता है वो सारे के सारे जो हमारे हमने जो अभी पहले पढ़ी थी फैराडिक करंट की जो क्राइटेरिया होता है उसको सबको फुलफिल करता है। इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी शॉर्ट होता है, वो लाए करता है 1.1 से 1 ms के बीच में, जो कि हमारा आइडियल फैराडिक करंट का टाइम ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी 30 से 100 हर्ट्ज़ के बीच में होती है, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो इस वजह से जो आजकल हम लेते हैं यूज़ में वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर्स। बट इसका बस एक ही ये डिसएडवांटेज है कि जब स्टार्टिंग में जो करंट प्रोड्यूस होता है मल्टी वाइब्रेटर सर्किट के थ्रू, तो वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है।
मतलब कि बिना कोई रेस्ट पीरियड के जो हमारा करंट है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से जो पेशेंट है उसके क्या होता है, टिटनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो प्रोड्यूस होता है। टिटनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कि सस्टेन्ड जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सस्टेन्ड रहता है। बट ये हमारा नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन तो है नहीं। हमारा नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारी मसल है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है कुछ टाइम से, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है कुछ टाइम से। बट क्योंकि स्टार्टिंग में जो मल्टी वाइब्रेटर सर्किट से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कंटिन्यूस होता है, तो उस वजह से मसल को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल पाता, तो उस वजह से बहुत इजीली जो मसल है वो फटीक हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया, इस करंट को सर्ज करना चालू कर दिया। तो सर्जिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारा पहले करंट था जो कि कंटिन्यूस फ्लो कर रहा था, तो सर्जिंग में क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूस करंट को कन्वर्ट कर देते हैं इंटरप्टेड करंट के अंदर। तो इसके अंदर इंटरप्शंस डाल देते हैं ताकि मसल को अच्छा खासा टाइम मिल जाए रिलैक्स होने का, क्योंकि कंटिन्यूस करंट के अंदर क्या हो रहा था, उसको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिल रहा था, उस वजह से टिटनिक लाइक कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे। बट अब क्योंकि सर्च कर दिया तो उस वजह से क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, तो उसको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है वापस से रिलैक्स होने का। अब सर्जिंग के बाद क्या होता है, जो वेव्स होती है वो इस टाइप से दिखती है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर या तो सडनली एकदम रिलैक्स हो जाएगी या फिर जैसे कि इस वेव के अंदर है कि वो धीरे धीरे रिलैक्स होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये रिजेंबल करती है जो हमारा जो नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उससे। तो अब ये बहुत सारे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, इंटरवल और वेव पैटर्न के हिसाब से जो सर्जिंग है अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड है। तो जो फर्स्ट है ये है ड्यूरेशन के बेसिस के ऊपर, तो ये फर्स्ट है, इसके अंदर देख सकते हो कि आप इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना ज़्यादा है, इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना ज़्यादा और इसके अंदर जो है इसका जो ड्यूरेशन है वो कम है। तो एक तो ये इसके बेसिस के ऊपर है, ये तो था हमारा ड्यूरेशन। अब जो सेकेंड वाला है वो इंटरवल के बेसिस के ऊपर है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो इंटरवल है, जो दो पल्सेस है इनके बीच के जो इंटरवल है वो कम है, तो और इसके अंदर जो है जो इंटरवल है दो पल्सेस के बीच में वो ज़्यादा है। तो ये जो है इंटरवल के बेसिस के ऊपर है। और अब ये जो लास्ट वाला है वो वेव पैटर्न के हिसाब से, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाला है ये सॉ टूथ है, तो इसको बोलते हैं सॉ टूथ। अब जो नेक्स्ट वाला है ये ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, तो इस वजह से इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। और ये वाला जो है वो है ट्रेपेजॉइडल, क्योंकि ये ट्रेपेजॉइड की तरह रिजेंबल करता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, पहले धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और फिर अपने पीक पॉइंट तक जाएगी, पीक एकदम सबसे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर सडनली एकदम रिलैक्स हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगी और धीरे धीरे ग्रेजुअल ही रिलैक्स भी करेगी। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी धीरे होता है, रिलैक्सेशन भी धीरे होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर अपना मैक्सिमम जो पीक कॉन्ट्रैक्शन है, मैक्सिमम जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है उधर थोड़ी देर तक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सस्टेन है, तो वहाँ तक मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो थोड़ी देर सस्टेन रहेगा और फिर धीरे धीरे वो वापस से रिलैक्स करेगी। तो ये अलग अलग टाइप के हम सर्जिंग कर सकते हैं, जैसा मतलब पेशेंट की नीड है तो उस हिसाब से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ फैराडिक करंट। तो उसमें सबसे पहले है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व्स। तो जो सेंसरी नर्व्स है, क्योंकि अब फैराडिक करंट जो है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का करंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं होता है, सेंसरी नर्व्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो स्टिमुलेट है वो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है। तो उसकी वजह से पेशेंट बोल सकता है कि मुझे वहाँ पे टिंगलिंग टाइप सेंसेशन हो रहा है। और इसकी वजह से जो हमारे, जैसे हम इलेक्ट्रोड्स हटाएंगे तो वहाँ पे हमें रेडनेस भी देखने को मिल सकती है, तो इसकी वजह से सुपरफिशियल एरिथमा भी होता है, बट वो एरिथमा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, मतलब थेरापूटिकली उसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो वहाँ पे रिफ्लेक्स विजुडाइलेशन भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन के बाद है हमारा मोटर नर्व स्टिमुलेशन। तो जो फैराडिक करंट होता है, अगर हम सही इंटेंसिटी ले और सही फ्रीक्वेंसी ले, तो हम आराम से मसल जो है हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। और वो कैसे, जैसे हमारा जो मसल है उसको सप्लाई कौन करता है, मोटर नर्व। तो मोटर नर्व यहाँ पे
इन्फॉर्मेशन देती है, जिस वजह से मसल जो है वो कंट्रैक्ट होती है। तो इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रोड रखेंगे तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा, मोटर नर्व को स्टिमुलेट कर देगा, तो उस वजह से जो हमारा मसल का कॉन्ट्रैक्शन है वो अचीव हो सकता है। बट हमेशा याद रखना कि अगर हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 30 हर्ट्स या फिर 50 हर्ट्स, तो इस टाइम पे क्या होता है कि क्योंकि इस टाइम पे हमें सर्जिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सर्जिंग नहीं करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप खुद सोचो कि एक सेकंड के अंदर 30 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो मतलब मसल को रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि एक सेकंड के अंदर उसको 30 और 50 कॉन्ट्रैक्शंस करने पड़ रहे हैं। तो इस वजह से अगर हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं 30 या फिर उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमेशा सर्जिंग करनी चाहिए और अप्रोप्रिएट सर्जिंग करनी चाहिए। जो भी पैटर्न का जो वेव हमें लेना है, जो भी पेशेंट के लिए जो भी हेल्पफुल है, जो भी बेनिफिशियल है, तो वो पैटर्न का हमें वेव फॉर्म लेना चाहिए और उसके लिए हमें सर्जिंग परफॉर्म करनी ज़रूरी है। अब ये तो था हमारा मोटर नर्व स्टिमुलेशन, अब है मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि अब मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और वो नॉर्मल हमारा जो नॉर्मल जो जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है वो वैसे ही करता है, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी। तो इस टाइम पे क्या होगा कि अब मसल जो है वो वर्क कर रही है, तो उस वजह से उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वजह से क्या होगा, उसके आसपास की जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वहाँ पे वैसोडायलेशन हो जाएगा, और फिर जब मसल अपना काम करेगी तो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होंगे, तो वो सब मेटाबोलाइट्स जो होंगे उसको क्लीन करने के लिए वहाँ पे जो वीनस रिटर्न है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, उसके इडीमा है, उसके पैरों के अंदर इडीमा है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, जो इलेक्ट्रोड्स है वो काफ मसल के ऊपर लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारी जो काफ मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और आप लोगों को पता होगा कि जो काफ मसल है वो हमारा पेरिफेरल हार्ट है। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही वो हमारी जो काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जो आसपास की वेन्स वगैरह है तो उसकी तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेगी उनके ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो वेन्स का जो वीनस रिटर्न है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर हम काफ का मसल कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से हम वीनस रिटर्न को इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे फ्लूइड जो है वो वापस से हार्ट की तरफ जाएगा और वो जो इडीमा है उसको हम कम कर सकते हैं। अब हमेशा याद रखना, जो हम फेरेडिक करंट यूज़ में लेते हैं वो हमेशा इनर्वेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए यूज़ में लेते हैं। इनर्वेटेड मसल मतलब कि उस मसल की जो नर्व सप्लाई है वो इंटैक्ट है। हम कभी भी डीनर्वेटेड मसल्स के लिए कभी भी फेरेडिक करंट को यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि डीनर्वेटेड मसल का मतलब क्या होता है कि उसकी जो नर्व सप्लाई है वो कट ऑफ हो चुकी है। तो उस वजह से अब उसको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और फेरेडिक करंट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, 1 ms से भी कम का, 1 ms या फिर उससे कम का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक करंट को यूज़ में लेते हैं। गैल्वेनिक करंट जो होता है उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो इजीली डीनर्वेटेड मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। और फेरेडिक करंट जो होता है उसका टाइम ड्यूरेशन छोटा होता है, और उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में भी बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का जो करंट है वो मिलता है पेशेंट को। तो उस वजह से पेशेंट जो है वो कंट्रोल वो टॉलरेट नहीं कर पाता है इतनी हाई इंटेंसिटी वाले करंट को, तो इस वजह से डीनर्वेटेड मसल्स के लिए ये हेल्पफुल नहीं है। अब जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है केमिकल इफ़ेक्ट्स। तो केमिकल इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो मेनली जो डायरेक्ट हमारा करंट, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट होता है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हम आयोनोफोरेसिस के लिए यूज़ में लेते हैं। जो इंटरप्टेड करंट होता है, इंटरप्टेड DC जो होता है उसमें इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक्चुअली बेसिकली होता क्यों है कि जब भी हम कांस्टेंट डायरेक्ट करंट देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होती है, एक तो होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाली होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये हमारी स्किन है, तो ये पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड के नीचे क्या होता है, जो भी नेगेटिव वाले जो आयंस है वो आके अक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं, और जो हमारी नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड है उसके नीचे पॉजिटिव वाले आयंस जो होते हैं वो आके अक्यूमुलेट होना चालू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे ये आयंस जो है वो बिल्डअप होना चालू हो जाते हैं, तो पेशेंट जो है वो बोल सकता है कि मेरे को वहाँ पे इचिनेस हो रही है या फिर उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो अगर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसके नीचे क्या होगा, नेगेटिव आयंस अक्यूमुलेट होंगे, मतलब कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्यूमुलेट हो सकता है, उसके आयंस अक्यूमुलेट हो सकते हैं, और जो नेगेटिव हमारी इलेक्ट्रोड है उसके नीचे पॉजिटिव आयंस आके अक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आके अक्यूमुलेट हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अल्कलाइन नेचर हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स के नीचे, और यहाँ पे क्या होगा, एसिडिक नेचर, यहाँ पे इलेक्ट्रोड के नीचे एसिडिक नेचर हो जाएगा। तो अब क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अगर अक्यूमुलेट आयंस जो है वो बहुत ज़्यादा अगर अक्यूमुलेट हो गए हैं,
तो उसकी वजह से वहाँ पे केमिकल बर्न्स भी हो सकते हैं। तो इस वजह से ये हमें पूछना पेशेंट से कि उसको कुछ डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बट जो फेरेडिक करंट होता है उसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो उसके जो पल्स का जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो उस वजह से फेरेडिक करंट में इतना ज़्यादा ये देखने को नहीं मिलता।